कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हम करंट के ओरिएंटेड चलेंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है, कौन सी रबी क्रॉप नहीं है? पी, रेडिश, कैरेट या लेडी फिंगर? तो लेडी फिंगर नहीं है। अब बोला हुआ है कि कौन से महीने में रबी क्रॉप को हम लगाते हैं। रबी क्रॉप से आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। रोम अक्टूबर में लगाते हैं, मार्च में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, तो ये अक्टूबर नवंबर इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है ये पूछा हुआ है इन्होंने। अरहर, मेज, कॉटन, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सी खारिफ क्रॉप नहीं है? ज्वार, मेज, पैडी, ग्राम। तो ये जो तीनों हैं ये हैं, लेकिन ग्राम रबी क्रॉप में आती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से ऑड बताना है हमने, ठीक है, वीट, मेज, ज्वार, पेडी। जो वीट होती है वो रबी क्रॉप है, बाकी वाली खारिफ क्रॉप है, तो ऑड कौन सी हुई? ए। सेकेंड क्वेश्चन है कि गुड कल्टीवेशन ऑफ वीट के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है। इसके लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है। कौन सी क्रॉप है ये? रबी। तो अक्टूबर का महीना, अक्टूबर महीने में हमें मॉडरेट ही टेम्परेचर, मॉडरेट ही रेनफॉल, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इसमें से पैलर क्रॉपिंग कौन कौन सी? पैलर क्रॉपिंग मतलब जो हम साथ साथ में लगाते हैं, वीट और मस्टर्ड आपने देखा होगा, सरसों और कनक हम साथ साथ में लगाते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश क्रॉप डज नॉट कंटेन, इनमें से कैश क्रॉप कौन सी नहीं है? जूट है, कॉटन है, शुगर केन है, लेकिन वीट कौन सी है? रबी क्रॉप है। कैश क्रॉप में कमर्शियल क्रॉप आती है, इकोनॉमिकली क्रॉप आती है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी कैश क्रॉप नहीं है, सॉरी रिपीट हो गया। अब इनमें से कौन सी कैश कैश क्रॉप है? तो कॉटन, शुगर केन, बनाना, ये है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट किया और इम्पोर्ट किया 15 लाख बीट, ठीक है, 15 लाख बीट, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये हमने इम्पोर्ट किया 15 लाख वीट ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। क्यों? क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो रशिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन, अब वॉर चल रही है उसके कारण इसमें भी, इसकी प्रोडक्शन में भी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो ये रीज़न है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीट की प्रोडक्शन, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी तीन लार्जेस्ट स्टेट है वहाँ पर होती है? ये होती है यूपी, यहाँ पर आगे यूपी जिसकी कैपिटल है लखनऊ, यहाँ आती है पंजाब, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, और यहाँ हरियाणा उसकी कैपिटल भी चंडीगढ़, ठीक है, तीनों स्टेटें, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही सुगंधा इज ए वैरायटी। अब हमने ये वैरायटी क्यों लाई है? आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो वहाँ पे वैरायटी पूछ रहे हैं राइस की, वीट की, ठीक है, तो ये माही सुगंधा जो है वो राइस की वैरायटी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि जो यूपी है रैंक फर्स्ट है किसकी प्रोडक्शन में? वीट में हमें पढ़ लिया, लेकिन सेकंड किस में है? शुगर केन में, ठीक है, तो ऑप्शन बी, जो वीट है वो रबी क्रॉप है, शुगर कौन सी है? कैश क्रॉप। अब ये पूछा हुआ कि राइस 3077 इज द वैरायटी ऑफ, ये वीट की वैरायटी है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी था पिछले बार, पूसा सिंधु, ठीक है, पूसा आपको जहाँ भी वर्ड दिखे तो वो मतलब वीट से रिलेटेड है, ठीक है, ये किसकी वैरायटी है? तो ये है वीट की, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सबसे ज़्यादा वीट क्रॉप में किसकी बीमारी लगती है, ठीक है, डिजीजेस किसकी लगती है? तो ये लगती है रस्ट की, ठीक। आइडल कंडीशन बतानी है हमने राइस की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन, तो ये रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, राइस के लिए, राइस कौन सी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है, उसके लिए हमें बारिश चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? वेस्ट बंगाल में होते हैं ये। अब जो राइस है वो ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ये हमारी इंडिया है, यहाँ पे हमारा आता है नॉर्थ ईस्ट साइड एशिया, तो इसका जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, इस वाली साइड से ओरिजिनेट हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा। अब चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया कौन सा है? तो राइस है, ठीक है।
अब हम राइस बॉल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं डेल्टा रीजन ऑफ ए कृष्णा गोदावरी। ठीक है, अब कृष्णा गोदावरी आपको पता है महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश से होते हुई जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? राइस बॉल ऑफ इंडिया।